लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं ओमकार अपने स्वार्थ हेतु जगत के प्राणियों को प्रताड़ित करने वालों के लिए मैं विष की बेल हूं, किंतु जन कल्याण के मार्ग पर चलकर त्याग और बलिदान की भावना से पूर्ण प्राणी के लिए मैं सुख और सुधा का भंडार हूं। मैं ओंकार हूं। अपने महान पति महाराज इल के नारी बन जाने के कारण महारानी विजया उद्विग्न हो जाती है। भोलेनाथ से इल से इला बनने के शुभ परिणाम सुनकर भी विजया की व्यथा शांत नहीं होती। देवी पार्वती के श्रीमुख से माता न बनने का कटु सत्य सुन विजया अश्रु बहाकर दुख व्यक्त करती है, किंतु भोलेनाथ द्वारा इला को बुध के समान तेजस्वी पुत्र की माता बनने का सत्य सुन आकाश में खड़े नारद प्रसन्न हो जाते हैं। नारी में शक्ति बन का कुछ समय और सुख भोग करने की देवी पार्वती की प्रार्थना भोलेनाथ स्वीकार कर लेते हैं। उधर नारद को असमंजस में छोड़ देवगुरु बृहस्पति काम्यक वन के समीप उस क्षेत्र के लिए प्रस्थान करते हैं जहां युवा योगी बुद्ध पूर्ववत शिव आराधना में लीन है। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। जय युवराज बुद्ध, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। देव गुरु बृहस्पति, मैं धन्य हुआ आपके दर्शन करके। आपका आशीर्वाद पाकर अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि मेरी तपस्या अवश्य सफल होगी। माता के ऋण से मुक्ति पाने के लिए तुमने जो कुछ किया वो प्रशंसनीय है बुद्ध। अब हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि भगवान शिव की कृपा से तुम्हारी तपस्या सफल होगी, तारा कलंक मुक्त होगी। पितृ बुद्ध, तुम्हारे पुत्र की तपस्या के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करने आया हूं देवीता। मैं भी यहाँ इसी उद्देश्य से आई हूँ देवगुरु। तुम निश्चिंत रहो, भगवान शिव और माता पार्वती जिस अद्भुत लीला में लीन है उसका संबंध तुम्हारे पुत्र की तपस्या की सफलता से भी है। अब बुद्ध को अपना अधिकार सौंपने का अवसर आ गया है देवगुरु। इसे अपना पुत्र स्वीकार करके इसके मन पर रखा बोझ हटा दे। जब तक स्वयं भगवान शिव बुद्ध की आराधना से प्रसन्न होकर उसे उसकी तपस्या का फल प्रदान नहीं करते, तब तक आपके कहने का ये अर्थ है मैं तब तक कलंक मुक्त नहीं हो सकती, और जब तक मैं कलंक मुक्त नहीं हो जाती आप बुद्ध को पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। बुद्ध को पुत्र के रूप में स्वीकार करने के लिए धर्म और नीति का समर्थन होना आवश्यक है देवी, तुम स्वयं समझ सकती हो। अब हमारे मन में बुद्ध के लिए कोई दुविधा नहीं है। यदि हमारे मन में बुद्ध के लिए पुत्रवत प्रेम नहीं उमड़ता तो हम स्वर्ग लोक छोड़कर बुद्ध से मिलने यहां क्यों आते। अब सचमुच महानी स्वामी, आपने ये कहकर मेरी मन की सारी कुंठाओं, सारी अपराध भावनाओं को समाप्त कर दिया है। पुत्र बुद्ध, अब देवगुरु तुम्हें अपना पुत्र कहकर पुकारे या ना पुकारे, परंतु इन्होंने मन से तुम्हें अपना पुत्र स्वीकार कर लिया है। तुम कितने भाग्यशाली हो
अब समझ में आया। उस दिन चंद्रपुत्र ऐसा संबोधन करने पर बुद्ध महाराज को बुरा क्यों लगा था? बुद्ध महाराज, अब तुम चंद्रपुत्र से बृहस्पति पुत्र बन गए हो। अब तुम्हारी समस्त दुविधाएं शिवाराधना करने से समाप्त भी हो जाएगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या बात है स्वामी, अचानक आपको क्या हो गया? सुन नहीं रहे हो? ओम नमः शिवाय का यह सामूहिक स्वर, यह हार्दिक आवाहन। सुन रही हूँ स्वामी। भोलेनाथ, सृष्टि रचना की व्यवस्था आपके मार्गदर्शन के बिना छिन्न भिन्न हुई जा रही है। तुरंत पधारे महादेव, तुरंत पधारे। देवाधिदेव महेश्वर, आपकी कैलाश में उपस्थिति के बिना सृष्टि पालन कठिन होता जा रहा है। तुरंत पधारे महेश्वर, दर्शन दे महेश्वर। देवी, शक्तिवन की रचना और नारीमय होने का उद्देश्य अब पूर्ण। अब हमें अपनी ये लीला समेट लेनी होगी। हमें शीघ्र कैलाश लौटना होगा। पृथ्वी और स्वर्ग लोक के प्राणी आपके बिना असुरक्षित अनुभव कर रहे हैं भोलेनाथ। माता पार्वती सहित तुरंत पधारे। हम आपके दर्शन के बिना चातक के समान तड़प रहे हैं भोलेनाथ, तुरंत दर्शन दें। दर्शन दें भोलेनाथ, दर्शन दें। क्या हुआ स्वामी? अब मुझे भगवान शिव के शीश पर लौटना होगा रोहिणी। हमारा मिलन समाप्त हो, किसी भी क्षण भगवान शिव अपनी इच्छा शक्ति से मुझे बुला सकते हैं। स्वामी, शक्तिवन की रचना मेरी इच्छा से की गई थी। मेरी इच्छा के बिना आप इसका विलय कैसे कर सकते हैं? हम तुम्हारी इच्छा का असम्मान नहीं कर रहे हैं, हम तो तुमसे अनुरोध कर रहे हैं। कैलाश हमारे बिना सूना होगा। वहां पहुंचने वाला हर व्यक्ति हमारे दर्शन के लिए ललायित होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है स्वामी। तो शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करो देवी। काम्यक वन का कार्य पूर्ण करके अब हमें शीघ्र ही कैलाश पहुंचना होगा। जो आज्ञा स्वामी। प्रणाम स्वीकार कीजिए। मुझे अपने जैसा सुंदर और सुकुमार पुत्र प्रदान कीजिए ग्रहों के राजकुमार। देवी, कौन है आप?
तुम्हारी तपस्या सफल हुई है। तुम्हारी माता तारा कलंक मुक्त है। अब तुम देवी इला की प्रार्थना स्वीकार करो और इन्हें मनवांछित पुत्र प्रदान करो। इला? हाँ, इला, जिसे ये रूप देने के लिए ही ये सारी शिव लीला रचाई गई थी। सचमुच आपकी लीला अद्भुत है महारानी विजया। अब तो तुम प्रसन्न हो ना, तुम्हारे सपनों का युवराज शीघ्र ही तुम्हें प्राप्त होगा। जाओ, राजधानी पहुंचकर शासक का अपना कर्तव्य निभाओ। जो आज्ञा माता। आपकी कृपा अपरंपार है देवाधिदेव। माता पार्वती, देवगुरु ने बताया कि मेरे पुत्र बुद्ध की तपस्या सफल करने, मुझे कलंक मुक्त करने और मनु पुत्र महाराज इल को बुद्ध जैसा युवराज प्रदान करने के लिए आपने ही सारी लीला रची थी। गुरु बृहस्पति, अब तो आप संतुष्ट हैं ना? अपने भक्तों के लिए अनुपम लीलाएं करने वाले देवाधिदेव, आपका आशीर्वाद मिलने के पश्चात और प्राप्त करने के लिए क्या रह जाता है? मुझे सब कुछ मिल गया भोलेनाथ। देवी तारा, आपकी लंबी व्यथा कथा का अंत हुआ। अब आप सहर्ष देव गुरु बृहस्पति के साथ स्वर्गलोक जाइए। मैं कृतज्ञ हूँ माता। भोलेनाथ, 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 आप शीघ्र अदृश्य हो जाएं, उससे पहले मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तुम्हारा कल्याण होना रे भोलेनाथ। भोलेनाथ, बहुत समय के पश्चात आपके चरण स्पर्श करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। और माता, यदि आपके आदेशानुसार मैं शक्तिवन में प्रवेश कर लेता तो तो तुम नारद से नारदी बन जाते और अल्प से अल्प एक वर्ष तक तुम्हें उसी रूप में रहना पड़ता। परंतु आप दोनों की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ। देवी इला, अब तो आपको एक वर्ष तक इसी आश्रम में रहना है, अपने पति की मन लगाकर सेवा करना और पिछली बातों को भूल जाना। अब हमें शीघ्र कैलाश पहुंचना है देवी। जो आज्ञा स्वामी, तुम सबका कल्याण हो। देवगुरु बृहस्पति, अब आप मुझे भी आज्ञा दें, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के पीछे पीछे मुझे भी कैलाश जाना होगा। वहां पहुंचे ब्रह्मा विष्णु और देवगण की पुकार मैं सुन चुका हूँ। अवश्य नारद, हम भी स्वर्गलोक पहुंचकर देवगुरु के कर्तव्य का पालन करेंगे। चलो देवी तारा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पधारे भोलेनाथ, शीघ्र पधारे। दर्शन दे माता पार्वती, दर्शन दे, दर्शन। हे त्रिलोकीनाथ, हे शिव शंकर, दर्शन दे, दर्शन दे। हमारी व्याकुलता का अंत करे भोलेनाथ। दर्शन दे शिव शंकर, दर्शन दे। शक्ति स्वरूपिणी माता पार्वती की जय।
देवर्षि आप यहाँ भी पहुँच गए। नारायण नारायण, भला भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती का साथ छोड़कर भक्त कहाँ जा सकता है। और वैसे भी आप दोनों से दूर रहकर मैं बहुत वियोग सहन कर चुका हूँ, और जब यहाँ मेरे आराध्य भगवान श्री हरि विष्णु और मेरे परम पिता ब्रह्मा जी उपस्थित हैं, तो भला नारद कैलाश से दूर कैसे रह सकता है। माता ब्रह्मदेव श्री हरि, आप तो हमारी हर लीला का रहस्य जानते हैं, फिर आप इतने व्यग्र क्यों हो गए। भोलेनाथ, नंदी तथा शिवगणों की करुण पुकार ने हमें यहाँ आने पर विवश कर दिया। हाँ महादेव, इन्होंने हमें बार बार पुकार कर हमारा आह्वान किया था। कैलाश से आपकी अनुपस्थिति में हमारा उत्तरदायित्व और बढ़ गया था। क्षमा करें भोलेनाथ, हम आपके बिना उद्विग्न विक्षिप्त से हो जाते हैं। हमको अनाथों की भांति छोड़कर ना जाया करें भोलेनाथ। इस विषय में तुम हमसे कुछ न कहो, जो कुछ कहना है देवी पार्वती से कहो। शक्तिवन की रचना की प्रेरणा इन्हीं की थी। हम माता पार्वती से कुछ नहीं कहेंगे भोलेनाथ, उन्होंने जो भी किया मुझे स्वीकार है। आपके दर्शन लंबे समय के पश्चात पाकर मेरा मन प्रसन्न हो गया भोलेनाथ, प्रसन्न हो गया। आपके पुनः कैलाश लौटने के उपलक्ष में हम सभी का मन अति आनंद से प्रफुल्लित हो रहा है। बोलिए त्रिलोकीनाथ भगवान शिव शंकर की जय। जय जय शक्ति स्वरूपा माता पार्वती की।